नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आज के इस एक और नए और काफ़ी यूजफुल वीडियो में। क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आपके फ़ोन में अगर एयरटेल का सिम है या फिर वीआई का सिम है तो कैसे आप अपने फ़ोन में लाइव टीवी देख सकते हो। और फिलहाल फ्रेंड्स यहाँ पर क्रिकेट भी चल रहा है तो लाइव क्रिकेट आप कैसे देख सकते हो ये भी हम इस वीडियो में जानेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि आपके पास एयरटेल का सिम है तो आपको एयरटेल एक्सट्रीम ऐप यहां पर देखने को मिल जाता है लाइव टीवी देखने के लिए। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि एयरटेल एक्सट्रीम ऐप से काफ़ी लाइव टीवी चैनल्स जा चुके हैं, कुछ ही 10-15 लाइव टीवी चैनल्स ही बचे हैं। ठीक है, 10-15 या फिर 20 ज़्यादा से ज़्यादा। तो यहाँ पर दोस्तों अगर आपको लाइव टीवी चैनल देखने हैं, पूरे अनलिमिटेड लाइव टीवी चैनल देखने हैं तो कैसे देख सकते हो ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। एयरटेल का सिम है आपके पास या फिर वीआई का सिम है तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आपको वही सिम कार्ड अपने फ़ोन में रखना है, सिम कार्ड आपको बदलने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। तो वो कैसे देख सकते हो फ्रेंड्स आप ये लाइव टीवी चैनल, साथ ही लाइव क्रिकेट कैसे देख सकते हो? तो वो देख सकते हो फ्रेंड्स आप जियो टीवी की मदद से। जी हाँ, जियो टीवी ऐप, इसकी मदद से आप देख सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूँ। और हाँ फ्रेंड्स, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, ऐसा नहीं है कि भाई आपको जो है काफ़ी मुश्किल आएगी या फिर आप देख ही नहीं पाओगे, बस मैं आपको यहाँ पर ये व्यूज़ पाने के लिए वीडियो बना रहा हूँ। देखिए बिल्कुल भी ऐसी कोई बात नहीं है, 200% आप जो है लाइव टीवी देख सकते हो, यानी कि जियो टीवी चला सकते हो, भले ही दोस्तों आपके फ़ोन में जियो का सिम नहीं है। बस आपको एक बार जियो टीवी को सेटअप कर लेना है, ठीक है, अपने फ़ोन में, फिर आप आराम से जियो टीवी को चला पाओगे और अनलिमिटेड लाइव टीवी चैनल्स देख पाओगे, साथ ही क्रिकेट भी देख पाओगे। आपको पता होगा कि बहुत से और सभी के सभी लाइव टीवी चैनल आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं जियो टीवी पर। तो चलिए जानते हैं कि कैसे करना है। तो दोस्तों सबसे पहले हमें जियो टीवी ऐप को अपने फ़ोन में डाउनलोड करना है, डाउनलोड करके ओपन करना है। ओपन करते ही यहाँ पर हमें ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर हमें परमिशन को अलाउ करना है, तो यहाँ पर नेक्स्ट कर देंगे, अलाउ कर देंगे। ठीक है, जिस तरह से मैंने अलाउ किया है तो उस तरीके से आपको अलाउ करना है, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। फिर आप बोलोगे कि भाई ये अब प्रॉब्लम आ रहा है, कमेंट करोगे, है ना। तो जो मैं कर रहा हूँ इसी तरीके से आपको करना है। अब फाइनली फ्रेंड्स यहाँ पर हमें ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर हम जियो आईडी पे क्लिक करेंगे। जियो आईडी पे क्लिक करने के बाद में फ्रेंड्स अब आपको यहाँ पर छोटा सा काम करना पड़ेगा। तो क्या करना है यहाँ पर आपको, तो आपके घर के किसी सदस्य का या फिर आपके दोस्त का या फिर आपके रिश्तेदार, करीबी रिश्तेदार का यहाँ पर आपको जियो नंबर डालना है। अब देखो यार, हमारे आसपास जियो नंबर की बिल्कुल भी किल्लत नहीं है, क्योंकि आपको भी पता है कि मैक्सिमम लोग जो है ना जियो का ही सिम यूज़ करते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर एक जियो नंबर डाल देता हूँ। तो चलिए मैंने जियो नंबर डाल दिया है। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आपको एक ही बार सेटअप करना है, आपको बार बार जियो नंबर डालने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद हम फॉरगॉट पासवर्ड पे क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पर हमें ऑप्शन मिल रहा है साइन इन के ऊपर फॉरगॉट पासवर्ड, तो इस पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमें फ्रेंड्स दिखाया जा रहा है कि जियो आई डी या फिर मोबाइल नंबर या फिर ईमेल यहाँ पर डालिए। तो हम यहाँ पर फ्रेंड्स सिंपल वही जियो नंबर डालेंगे जो कि हमने पहले डाला है, ठीक है। जियो नंबर डालने के बाद में कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। नीचे कंटिन्यू है तो कंटिन्यू ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब देखो यार, ऐसा इंटरफेस हमें देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमें OTP डालना है, जो कि जो हमने जियो नंबर अभी अभी डाला है उस पर OTP जाएगा, तो वो OTP यहाँ पर हमें डाल देना है, ठीक है। तो चलिए हम OTP डाल देंगे। OTP डालने के बाद में नीचे यहाँ पर हमें न्यू पासवर्ड का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, तो हमें यहाँ पर न्यू पासवर्ड डालना है, यानी कि यहाँ पर हमें पासवर्ड क्रिएट करना है। तो चलिए फ्रेंड्स मैंने पासवर्ड सेट कर दिया है, ठीक है। यहाँ पर मैंने पहले पासवर्ड डाला अपना और उसके बाद में वही पासवर्ड नीचे डाल दिया, ठीक है। तो आपको भी ऐसा ही करना है। अब पासवर्ड में आपको कुछ नंबर्स यूज़ करने हैं और कुछ लेटर्स भी यूज़ करने हैं, तभी यहाँ पर पासवर्ड क्रिएट होगा, ठीक है। इसके बाद में हमें यहाँ पर अपडेट पे क्लिक करना है। तो देख सकते हो यहाँ पर बता रहा है पासवर्ड रीसेट सक्सेसफुली, यानी कि यहाँ पर हमारा सक्सेसफुली काम हो चुका है। अब यहाँ पर हम बैक आ जाएंगे। अब यहाँ पर हम फिर से जियो आईडी पे क्लिक करेंगे। जियो आईडी पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमें वही फ़ोन नंबर डालना है और अभी अभी जो पासवर्ड फ्रेंड्स हमने सेट किया है, तो आपको पता ही होगा कि क्या सेट किया आपने, क्या डाला है, तो वही पासवर्ड यहाँ पर डालना है। तो चलिए मैंने जियो नंबर डाल दिया है और इसके साथ ही जो पासवर्ड सेट किया था अभी अभी वो भी डाल दिया है। इसके बाद में हम साइन इन पे क्लिक करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि हमारा जियो टीवी ओपन हो चुका है। तो देख सकते हो अब यहाँ पर नीचे हमें लाइव टीवी चैनल्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो इसको मैं ऑफ कर देता हूँ पहले। अब देखिए यहाँ पर सबके सब आपको लाइव टीवी चैनल्स देखने को मिल रहे हैं, तो सभी के सभी लाइव टीवी चैनल्स का मज़ा फ्रेंड्स अब आप उठा सकते हैं, ठीक है। सभी के सभी लाइव टीवी चैनल्स देख सकते हैं और साथ ही कोई आपका फेवरेट लाइव टीवी चैनल आपको सर्च करना है तो सर्च करने के लिए यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। तो इसकी मदद से आप सर्च कर सकते हैं, वॉइस सर्च भी कर सकते हैं और साथ ही यहाँ पर टाइप करके भी सर्च कर सकते हैं।
और दोस्तों अगर आपको लाइव क्रिकेट देखना है, ठीक है, लाइव क्रिकेट मैच देखना है, तो इसके लिए आप सर्च बार पे क्लिक करके जियो क्रिकेट सर्च करेंगे। तो देखिए जियो क्रिकेट सर्च करने के बाद में यहाँ पर आपको चैनल्स देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है जियो क्रिकेट HD। तो इस चैनल पर फ्रेंड्स आप जो है लाइव क्रिकेट मैच देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जियो क्रिकेट 1, जियो क्रिकेट 2 ऐसे कुछ चैनल होते हैं, तो जिस चैनल पर आपको हिंदी में क्रिकेट सुनाई, मतलब जो कमेंट्री होती है हिंदी में आपको सुनाई देती है, तो उसी चैनल पर आप देख सकते हैं। चलिए आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही उस वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए, और लाइक तो बनता है यार, बिना लाइक कीजिए मत जाइएगा, तो लाइक कर दीजिए। तो चलिए हम मिलेंगे अगले एक नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स। थैंक यू।